लेकिन ऐसे में ट्रेड के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं, शुरू करते हैं ट्रेड का चौका, जिसमें आखिरी 2 घंटे के लिए हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे 4 ट्रेड। सुमित, आपसे स्टार्ट करेंगे, बताइए कहां पर देख रहे हैं ट्रेड के मौके। हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो यहाँ पे अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी मूवमेंट लगी हुई है। अभी आप टेक्निकल बेस पे एक लोअर टाइम फ्रेम पे अगर स्विंग ट्रेड्स ढूंढेंगे तो काफी अच्छे ट्रेड्स हैं, तो ज्यादातर फोकस वही हम मेंटेन करेंगे। तो आज के जो 2 स्टॉक है दोनों बाय साइड मूवमेंट पे है। BSE रहेगा पहला स्टॉक, देखिए काफी अच्छा एक बेस बनाया था 2200 के करीबन आफ्टर फॉल। तो पिछले स्विंग को अगर आप मूवमेंट की तरह देखेंगे तो 61.8 जो फिबोना की लेवल के काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वहीं से स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस दिया है। तो अभी करीब आपका स्टॉक चल रहा है 2400, हम बोलेंगे यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए। देखिए पिछला जो हाई था यू बॉटम रिकवरी कर सकता है, 2600 हमारा पहला टारगेट रहेगा। 2600 लेवल से अगर क्रॉस कर रहा है तो 2720 दिस विल बी अवर सेकंड टारगेट। यहाँ पे आप 2250 का SL मेंटेन कीजिए। जो दूसरा स्टॉक है वो रहेगा महिंद्रा लॉजिस्टिक का। महिंद्रा लॉजिस्टिक देखिए यहाँ पे काफी अच्छा एक मूवमेंट दिया है और आज के सेशन में ही आप देखिए सुबह से ओपन लो का कैंडिडेट है। ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 8% हाई चल रहा है, तो यहाँ पे आप डिप्स का थोड़ा सा वेट कीजिए, 50% यहाँ पे एंट्री कीजिए। 50% अगर नीचे यहाँ पे 10-20 पॉइंट्स और डाउनफॉल आ रहा है तब भी एड कीजिएगा। तो मेंटेन कीजिए 400 का स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट ऑफ 500 एंड 518। ओके, तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 9% ऊपर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक, अभी भी आप तेजी करके चल सकते हैं इस स्टॉक में। और इसके अलावा BSE में भी तेजी करने की सलाह है, 2600 और 2720 के टारगेट के लिए ये सलाह आपके लिए। सुमित, आप दूसरा कॉल रिपीट करेंगे दोबारा, BSE और दूसरा कौन सा स्टॉक था? महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 440 का करंट मार्केट प्राइस है। ओके, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में, जी 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 ठीक है, थोड़ा यहाँ पे प्लेट्स में हम इसको करेक्ट कर लेंगे। तो ये 2 स्टॉक्स हैं BSE और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में तेजी करने की सलाह। आदित्य, अब आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के। देखिए जैसे मैंने बताया कि मीडियम टर्म आउटलुक मेरा थोड़ा कॉशियस है बाजार पे, मुझे बाजार काफी ओवर एक्सटेंडेड लगता है, तो मैं थोड़ा सेफ्टी और डिफेंसिव स्टॉक की तरफ बायस रखना चाहूंगा। तो मेरी पहली पिक रहेगी एस्टर DM, जो फार्मा स्टॉक से है, फार्मा सेक्टर से है, थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर है, तो उसको बाय कर सकते हैं 476 में। 450 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 500 से लेके 525। DM में खरीदारी करने की सलाह है 500-525 के टारगेट के लिए, यह है सलाह आदित्य की तरफ से। काफी